भारतीय मूल की गीता पासीचाट के लिए अमेरिकी राजदूत नियुक्त। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 19 अप्रैल 2016 को भारतीय अमेरिकी नागरिक गीता पासी को चाट की राजदूत नियुक्त किया। यह मध्य अफ्रीका में स्थित देश है। वर्तमान में पासी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय मानव संसाधन ब्यूरो में करियर विकास एवं असाइनमेंट कार्यालय की निदेशक हैं। पासी जिबूती में 2011 से 14 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की राजदूत भी रह चुकी हैं। इससे पहले वे 2006 से 9 तक ढाका में अमेरिका दूतावास के लिए विशेष मिशन हेतु डिप्टी चीफ भी रह चुकी हैं। इसके अतिरिक्त वे फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 2003 से 6 तक डिप्टी प्रिंसिपल ऑफिसर भी रह चुकी हैं। दीपा कर्माकर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट बनी। भारतीय आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर 17 अप्रैल 2016 को ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक बनी। कर्माकर ने रियो ओलंपिक्स के लिए आयोजित क्वालिफाइंग एवं टेस्ट प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करके यह कोटा हासिल किया। उन्होंने 52.698 अंक अर्जित करके अगस्त 2016 में होने वाले ओलंपिक के लिए स्थान सुनिश्चित किया। कर्माकर का विश्व महिला जिम्नास्टिक में 79वां स्थान है। उन्होंने एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता तथा 2015 के विश्व आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में 5वां स्थान हासिल किया। यह दोनों स्थान भारत के लिए पहली बार अर्जित किए गए। स्विट्जरलैंड एनर्जी ने 5 सौर कंपनियों का अधिग्रहण किया। प्रसिद्ध ऊर्जा कंपनी स्विट्जरलैंड एनर्जी ने 5 सौर कंपनियों की अधिग्रहण की 19 अप्रैल 2016 को घोषणा की। इसके तहत स्विट्जरलैंड एनर्जी ने देश भर की विभिन्न नवीकरणीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 5 छोटी और कंपनियों का अधिग्रहण किया। उपरोक्त घोषणा के अनुसार स्विट्जरलैंड ने गेल सोलर फार्म्स, टोर्नेडो सोलर फार्म्स, आभा सोलर फार्म्स, आलोक सोलर फार्म्स और श्रेयस सोलर फार्म्स का अधिग्रहण किया ताकि महाराष्ट्र की हाल में हासिल 70 मेगावाट की सौर परियोजनाओं समेत देश भर की विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 6 मेगा प्रोजेक्ट हेतु 3,166 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 अप्रैल 2016 को 6 मेगावाट प्रोजेक्ट के जरिए कुल 3,166 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। इसके तहत प्रदेश में 6 मेगा परियोजनाओं के जरिए कुल 3,166 करोड़ रुपए का निवेश होगा तथा इन इकाइयों के माध्यम से 11,645 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इन मेगा परियोजनाओं को औद्योगिक निवेश नीति के तहत अगले 7 से 10 वर्षों के दौरान 3,184 करोड़ रुपए का मूल्य रियायती प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में गठित प्राधिकरण समिति ने इन मेगा परियोजनाओं के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद उन्हें औद्योगिक निवेश नीति के तहत रियायतें देने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2015-2016 के विदेश व्यापार से संबंधित आंकड़ों को जारी किया। केंद्र सरकार ने 18 अप्रैल 2016 को वित्त वर्ष 2015 से 16 के विदेश व्यापार से संबंधित आंकड़ों को जारी किया। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2015 से 16 के विदेश व्यापार में संबंधित आंकड़ों को जारी किया। मार्च 2016 के दौरान 22,718 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया, जो मार्च 2015 में हुए निर्यात के मुकाबले डॉलर के लिहाज से 5.47% कम है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निरीक्षण के लिए भारतीय रेलवे ने पहली बार ड्रोन का प्रयोग किया। 17 अप्रैल 2016 को भारतीय रेलवे ने पहली बार चालू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निरीक्षण के लिए मानव रहित वायु वाहन या ड्रोन का प्रयोग किया। डीएफसी के कुल 98 किलोमीटर की निगरानी के लिए ड्रोन का प्रयोग ट्रायल के आधार पर किया गया। 3 दिनों के लिए इसमें से पश्चिमी डीएफसी में राजस्थान में भागेगा से श्री माधोपुर के बीच 42 किलोमीटर लंबे ट्रैक और बिहार में दुर्गावती एवं सासाराम के बीच 56 किलोमीटर लंबी लाइन की निगरानी के लिए इसका प्रयोग किया गया था। ड्रोन के प्रयोग से भारतीय रेलवे के अधिकारियों को डीएफसी परियोजना के सर्वेक्षण खंडों की स्थिति की रिपोर्ट तेजी और आसानी से तैयार करने में सक्षम रहेगा।